हेलो मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संदीप ज्ञान में। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी की, जो अभी एग्जाम चल रही है उसके लिए दो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहे हैं। तो क्या नया लेटेस्ट अपडेट है, किन किन अभ्यर्थियों को इसमें फ़ायदा मिलेगा, आगे की प्रक्रिया जो प्रीक्स है उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या पेपर में मिस्टेक हो रही है, संपूर्ण डिटेल्स हम आपको इस वीडियो में देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आगे की प्रक्रिया जानने से पहले हम आपको एक जानकारी दे देते हैं। यदि आपको किसी भी परीक्षा के पुराने पेपर्स, स्टडी मटेरियल्स और करंट अफेयर्स की यदि आपको आवश्यकता है तो आप हमें अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं और स्टडी मटेरियल्स प्राप्त कर सकते हैं फ्री में, और वहाँ हमें आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले मैं आपको न्यूज़ दिखा देते हैं। तो यहाँ देख सकते हो आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा का 2 नवंबर तक कार्यक्रम जारी। तो अब आगामी 2 नवंबर तक तो होने वाली परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया। पहली न्यूज़ तो यह है कि शेड्यूल जारी कर दिया है, और इसमें क्या न्यूज है, न्यूज़ दिखा देते हैं आपको। यहाँ देख सकते हो इलाहाबाद से न्यूज मिल रही है, रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी की ओर से आयोजित ग्रुप डी की भर्ती परीक्षा का 2 नवंबर तक कार्यक्रम जारी कर दिया है। 2 नवंबर तक, इसके पूर्व परीक्षा का 22 अक्टूबर तक का ही कार्यक्रम जारी किया था, लेकिन अब आरआरबी ने 2 नवंबर तक ली जाने वाली परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया है। आरआरबी इलाहाबाद के चेयरमैन एसएस नकवी के मुताबिक 22 के बाद ग्रुप डी की परीक्षा 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 अक्टूबर एवं 1 और 2 नवंबर को होगी। उन्होंने बताया कि सोमवार को ग्रुप डी की परीक्षा इलाहाबाद, कानपुर, झांसी, ग्वालियर, मथुरा, आगरा, रुड़की, देहरादून, हरिद्वार, मुरादाबाद के 41 परीक्षा केंद्रों पर हुई। इन केंद्रों में जो टोटल अभ्यर्थी बुलाए गए थे कितने थे, 37,360 अभ्यर्थियों को शामिल होने के लिए बुलाया गया था, जिसमें से कैंडिडेट्स आ रहे हैं 26,164 ही कैंडिडेट इसमें आ रहे हैं, अभ्यर्थी ही परीक्षा देने के लिए पहुंचे हैं। ओवरऑल अभ्यर्थियों की उपस्थिति की यदि हम तुलना करें तो 70% छात्र ही इसमें परीक्षा देने आ रहे हैं। परीक्षा सभी केंद्रों में शांतिपूर्ण ढंग से हो रही है, लेकिन कल की न्यूज है कि बिहार में 3 मुन्ना भाइयों को पकड़ा गया है, वो किसी दूसरे के स्थान पे परीक्षा दे रहे थे। अब और इस बार एक लेटेस्ट अपडेट जो रेलवे ने घोषित किया वो ये है कि इसमें वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी, ठीक है, प्रतीक्षा सूची निकाली जाएगी। जो कैंडिडेट इसमें ज्वाइन नहीं करता है रेलवे डी ग्रुप में, उनकी जगह वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी। सबसे पहले रेलवे ये करने जा रहे हैं। पहले ये जो स्कीम नहीं थी कि रेलवे वेटिंग लिस्ट जारी कर सकता था, लेकिन अब रेलवे वेटिंग लिस्ट जारी करेगा, जिसमें हर अभ्यर्थियों को इसमें मौका मिलेगा। तो मित्रों, ये थी आज की हमारी लेटेस्ट अपडेट जो रेलवे डी ग्रुप की एग्ज़ाम को लेकर निकल रही थी। और एग्ज़ाम की और कोई क्वेश्चन आपके हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का पूरा जवाब देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।